वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं लेक्चर नंबर 22 की वीडियो लेकर प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन का जो फोर टाइप था, एक्टिव टू पैसिव वाइज, गाइस उसी के बारे में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें क्या है लेक्चर नंबर 22। और गाइस, अपना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, देखें क्या है चार्ट वन। ये देखें, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव को जब पैसिव बनाएंगे, तो उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। देखिए वो चेंजेस क्या करने होते हैं, हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक्टिव वॉइस के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं और ये पैसिव वॉइस के। अब देखें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। डू ऑब्लिक डज और वर्ब में एस या ई एस आता है, हाँ, तो उसके लिए इज एम आ का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, सिंगुलर है या आई है तो एम लगेगा, और प्लूरल है तो आर लगेगा। गाइस फिर देखें नेक्स्ट जो है इज एम आर। अगर ये तीनों वर्ड आते हैं तो उसमें इज एम आ उसके साथ बीइंग लगेगा, इसके साथ भी बीइंग लगेगा, एम के साथ भी बीइंग लगेगा और आ के साथ भी बीइंग लगेगा। हैज़ है वो है अगर आता है तो इसके साथ हैज बीन और हैव बीन। डिड आता है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो उसके उसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वेर में। और देखें वॉज वर आता है तो उसको वॉज ऑब्लिक वेर बींग, इसके साथ हमें क्या करना है, बींग ऐड करना है। और अगर हैड आता है तो उसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे, और अगर हैड बीन आता है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। विल या शैल अगर आता है तो विल बी या शैल बी लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। और देखें विल बी शैल बी आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हैज़ बीन हैव बीन अगर आता है तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फिर नेक्स्ट देखें देखें विल शैल, विल हाव या शैल हैव आता है तो उसके साथ विल हाव बीन शैल हाव बीन लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में। देखें विल हाव बीन या शैल हाव बीन आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और नेक्स्ट देखें क्या है कैन कुड मे माइट। देखें यहाँ दो बार मे हो गया। मस्ट वुड शुड अगर ये सारे वर्ड आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज अगर ये आते हैं तो इसके साथ पैसिव वॉइस में बी लगेगा, जैसे कैन बी है, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, शुड बी, हाँ तो इसके साथ ये बी लगेगा। अब देखें जो सेकंड चार्ट है, हाँ देखें चार्ट टू। देखें एक्टिव वॉइस में जितने सब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। देखें अगर एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट आता है तो पैसिव वॉइस में उसे बाय हिम में चेंज करेंगे, और शी अगर आता है तो बाय हर होगा। कोई नेम आता है तो बाय लिख के जो नेम आएगा वो लिखना रहेगा, और इट आता है तो बाय इट रहेगा, आई है तो बाय मी लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में, और वी है तो बाय अस होगा, यू है तो बाय यू होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, दे है तो बाय देम होगा। अब देखें गाइस, बहुत ही सिंपल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। देखें ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट,
इन तीनों की पैसिव वॉइस बनती है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इन तीनों की पैसिव वॉइस बनती है इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पे लिखा है। अब देखें, क्या ही राइट्स अ लेटर। हाँ तो देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है। और मैंने उसमें चार्ट वन में दिखाया है कि डू ऑब्लिक डज है, एस या ईएस आता है, तो उसके लिए इज एम आर यूज़ करेंगे। तो देखें गाइस, इसमें सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारे चेंजेस होते हैं। तो देखें इसमें क्या है, ए लेटर। देखें ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में यहाँ चेंज किया गया है। तो देखें यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लेटर। देखें एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और अगर आई होता तो उसके साथ एम लगता, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो उसके साथ आर लगता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, ए लेटर इज। और ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें ये नहीं कि सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो देखें ये हो गया, और यहाँ पे राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, रिटन होती है। तो रिटन हो गया, फिर उसके बाद बाय लगेगा, ही का क्या होगा, हिम होगा। देखें यहाँ पे लिखा है कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बाय हिम हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, बाय हिम हो जाएगा। अब देखें इसे कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ये तो हमारा क्या था, इंडेफिनिट टेंस था। हाँ, अब कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है वो क्या होती है, आईएनजी लगा होता है उसमें। तो देखें ही इज राइटिंग अ लेटर। हाँ तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। तो देखें क्या हो गया, ए लेटर इज। अब देखें गाइस यहाँ पे इज लगा हुआ है, और मैंने वहाँ पीछे बताया चार्ट में, चार्ट वन में, कि इज एम आ आता है तो उसके साथ बीइंग ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें इज आया है तो उसके साथ बीइंग लिखा गया है, लिखा जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। हाँ, और यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। देखिए इसे परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हाँ तो क्या है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसमें भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ए लेटर। और हैज़ है तो हैज़ का हैज़ ही रहेगा, और हैज़ आता है तो इसके साथ बीन ऐड किया जाएगा, चार्ट वन जो है उस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हैज़ बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय हिम हो गया। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस का जो परफेक्ट टेंस था, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखें इसी को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देखें ही रोट अ लेटर। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट टेंस है। तो गाइस यहाँ पे देखें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। हाँ तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, ही रोट अ लेटर। हाँ तो इसे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले उतारेंगे, क्या है, अ लेटर। और यहाँ पे देखें
क्या लिखना है? वॉज। एलेटॉ सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल होता तो उसके साथ वर लगता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा? बाय हिम हो गया। हाँ तो देखें, नेक्स्ट देखें। हाँ देखें, पीछे हमारा जो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, अब यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। देखें क्या है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये वॉज जो है ये दर्शा रहा है कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, और राइटिंग आईएनजी, तो इससे लग रहा है कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ तो इसमें देखें क्या, अ लेटर ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और वॉज है तो वॉज के साथ बीइंग। हाँ तो क्या हो गया, वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। तो ये कंप्लीट हुआ। और देखें पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ देखें क्या है, ही हैड रिटन अ लेटर, तो इसे हैड, हाउ और हैज ये जो होते हैं तो इसे पता चलता है ये हमारा परफेक्ट टेंस है। हैड जो होता है ये पास्ट दर्शा रहा है, और जो हैज़ होता है, हाउ होता है, वो प्रेजेंट बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ तो देखें इसे किस तरह चेंज करना है, वही रूल है हमारा। हाँ यहाँ में इसके साथ जो भी चेंजिंग है चार्ट वन के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। तो देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखें। हाँ फिर हैड है, हैड के साथ किसका प्रयोग होगा? बीन का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय हिम हो गया। फिर उसके बाद देखें गाइस, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए मैंने तीन ही लिखा है, तीनों के बारे में बता दिया है, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। देखें उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हाँ फ्यूचर के बारे में देखते हैं क्या, ही विल राइट अ लेटर। अब देखें ए विल से क्या पता चल रहा है, विल किसकी पहचान करा रहा, फ्यूचर टेंस की। हाँ तो इसमें भी वही है, अ लेटर विल का विल ही रहेगा, उसके साथ बी लगेगा, विल बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय हिम हो गया। और उसके बाद देखें परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है। तो देखें क्या है, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, अ लेटर विल, विल हैव है तो उसके साथ बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम हो गया, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। तो गाइस ये हमारा जो सिंपल सा एक्टिव टू पैसिव वॉइस था वो कंप्लीट हुआ। अब देखें कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखें क्या है, मोहन टीचस राम, हाँ तो इसमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, एस या ईएस है तो इसको हेल्पिंग वर्ब जो होगी सिंगुलर या प्लूरल किस तरह यूज़ करना है, तो यहाँ पे राम जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ एग्जाम आर में हमें चूज़ करना है, तो क्या रहेगा, इज रहेगा। टीच का थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, टॉट,
फिर उसके बाद जो है कोई नेम आता है तो क्या हो गया, बाय, और नेम क्या है, मोहन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखें क्या है एक्टिव वॉइस, और ये जो है ये पैसिव वॉइस है। तो देखें एक्टिव वॉइस में क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बनता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब ही रहता है। उसके साथ चार्ट वन के अकॉर्डिंग कुछ जो चेंजेस हैं, हाँ, क्या ऐड करने हैं वो होंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखें जो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा पैसिव वॉइस में, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में होगा वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हमें पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। देखें इसे क्या करना है, इसमें देखें जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो देखें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम, हाँ, तो हिम को हमें किस में चेंज करना है, ही में। हाँ देखें क्या हो गया, ही, और ये गेव जो है क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और यहाँ पे वर्ब जो है देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेव का सेकेंड सॉरी थर्ड फॉर्म क्या है, गिवेन। हाँ क्या दे रहा, ये तो देखें ये हट के यहाँ पे चला आया है, तो यहाँ पे ये बचेगा गेव अ रिवॉर्ड, तो यहाँ पे गिवेन अ रिवॉर्ड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, यहाँ पे बाय हो गया। और फिर उसके बाद देखें, हाँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द किंग, तो क्या हो गया, बाय द किंग। तो गाइस ये हमारा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का सिंपल सा तरीका। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा गाइस। और भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए और भी रूल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूँगी। और गाइस इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और गाइस हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी, और आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर कराऊँगी। आई होप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।